हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 के चैप्टर 1 की, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दे आईसीटी चैनल को और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो स्टार्ट करते हैं। सो आपके चैप्टर का पार्ट 1 मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर इस वीडियो को देखें। चैप्टर 1 के पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है। सो लास्ट वीडियो में हमने टर्टल आर्ट का यूज करके विंडो बनानी सीखी थी। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टैक क्या होता है। सो स्टैक टर्टल आर्ट में कमांड्स ब्लॉक्स द्वारा दिए जाते हैं। ब्लॉक के सीक्वेंस को स्टैक कहते हैं। सो आप टर्टल में ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और उनकी एक लाइन बनाते जाते हो और एक उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हो। इसी पूरी जो ब्लॉक्स की लाइन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स को परिभाषित करना और उनका प्रयोग करके आकार बनाना। इसमें ये जो इमेज दी है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर टोटल 8 स्क्वायर आपको दिखेंगे, जिसमें 4 स्क्वायर सीधे हैं और 4 स्क्वायर आपके 45 डिग्री पर है। सो इसमें हर स्क्वायर बनाने के बाद हमें टर्टल को 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। ये काम हम इजिली कर पाएंगे स्क्वायर बनाने के स्टेप को नाम देकर। तो चलिए इस इमेज को हम अपने टर्टल आर्ट में बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम स्क्वायर बनाने की कमांड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने टर्टल कैटेगरी के अंदर और यहाँ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक ड्रॉप करेंगे और साथ में एक राइट ब्लॉक हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू 100 और राइट में 90 डिग्री रहने देंगे। अब क्योंकि हमें एक स्क्वायर पहले बनाना है तो हम अपनी रिपीट कमांड जो है वो फ्लो कैटेगरी से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 लाइंस की जरूरत होती है तो यहाँ पे हम 4 मेंशन कर देंगे। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। रन कराने के लिए मैजिक स्टिक हमने ली और इसको हमने रन करा दिया। हमारे टर्टल ने यहाँ पर स्क्वायर शेप बना दिया है। अब हमें स्टेप 2 में इस स्टैक को एक ब्लॉक में डालना है और इस स्टैक को एक नाम देना है। नाम देने के लिए मैं जाऊंगा माई ब्लॉक्स कैटेगरी में और यहाँ से ये जो ब्लॉक है नेम्ड ब्लॉक, इसको मैं अपने स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगा और इसको मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पर। इस ब्लॉक को मैं एक नाम दे दूंगा स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर बनाने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरा एक स्क्वायर नाम से ब्लॉक जो है वो जुड़ जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे स्क्वायर नाम से ब्लॉक जो है वो जुड़ गया है। अब इस ब्लॉक का फायदा क्या है, अब इस ब्लॉक को आप अपनी स्क्रीन पे ड्रैग करके और इसको आप रन कराएंगे तो आपका टर्टल जो है वो स्क्वायर बना देगा। मतलब ये सारे जो कमांड्स है वो आपके इस स्क्वायर के थ्रू इस ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्क्वायर बनाने के बाद आपको टर्टल को 45 डिग्री मोड़ना है। ये करने के लिए और क्योंकि हमें टोटल 8 स्क्वायर बनाने हैं, ये जो हमारी टर्टल बनाने की कमांड है हम इसको 8 टाइम्स जो है 8 बार जो इसको रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने फ्लो में और यहाँ से रिपीट ब्लॉक जो है वो ले लूंगा, अपने स्क्वायर को यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा। अटैच करने के बाद ये मेरा स्क्वायर तो बन गया है, लेकिन अभी मुझे इसको 45 डिग्री टर्न कराना है। तो टर्न कराने के लिए टर्टल कैटेगरी में जाके यहाँ से मैं अपना राइट ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर 45 डिग्री टर्न कराने के लिए इसको 45 डिग्री एंगल यहाँ पर दे दूंगा। जो मेरी शेप थी उसके अंदर टोटल 8 स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 8 वैल्यू दे दूंगा। अब हमारा जो स्टैक है वो एकदम रेडी है रन करने के लिए। तो पहले मैं अपने इस स्क्वायर को मिटा देता हूँ, अब इसको रन करा के मैं देखता हूँ। जैसे ही हम रन कराएंगे हमारा शेप जो है वो बन जाएगा। सो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या एक आकृति को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, एक आकृति को हम काफी तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारी ये आकृति थी, इसको हमने एक तरीके से बनाया। अब दूसरे तरीके से अगर हमें इसे बनाना है तो एक्टिविटी 2 में आपने जो आकृति बनाई थी विंडो शेप की, उसमें आप पहली विंडो शेप बनाए, ठीक है, और उसे बनाने के बाद आप टर्टल को 45 डिग्री मोड़े और फिर से विंडो बनाए तो आपकी ये वाली शेप आपको मिल जाएगी। तो प्रोग्रामिंग में किसी कार्य को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो चलो इस वाली शेप को हम दूसरे तरीके से, जो आपको एक्टिविटी 1 में हमने विंडो बनाई थी उस तरीके का यूज करके हम इस शेप को बनाते हैं। सो एक्टिविटी 1 में आपने जो एक स्क्वायर उसके अंदर बनाया था उसकी कमांड्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया था फॉरवर्ड, उसके बाद राइट, फॉरवर्ड, राइट, फॉरवर्ड। तो हमने ये सारी कमांड्स जो है वो हमने ली थी एक स्क्वायर को बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर बना था
जब हमने एक्टिविटी वन में ये कमांड्स यूज की थी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इन सभी कमांड को मैं एक नेम्ड ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ। नेम्ड ब्लॉक के लिए मेरे को फिर से माई ब्लॉक्स में जाना है, यहाँ से मेरे को नेम्ड ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी स्टैक के ऊपर अटैच कर देना है और मैं इस ब्लॉक को नाम दे देता हूँ स्क्वायर का। ठीक है, जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा मेरा स्क्वायर नाम का ब्लॉक जो है यहाँ पर बन जाएगा। ये था हमारा स्टेप वन। अब स्टेप टू में अब मुझे, क्योंकि ये मेरा खाली एक स्क्वायर बनाने की कमांड थी, अब मुझे अपनी विंडो के लिए, सिंगल विंडो के लिए चार स्क्वायर बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फ्लो में जाके रिपीट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा और रिपीट के अंदर जो मैंने नेम्ड ब्लॉक बनाया था उसको मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा। और क्योंकि मुझे चार स्क्वायर बनाने हैं तो यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ चार। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर विंडो बन गई है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको पहली विंडो आपकी बन गई है, सेकंड विंडो आपको बनानी है, जिसको बनाने से पहले आपको टर्टल को 45 डिग्री जो है वो राइट साइड में टर्न कराना पड़ेगा। तो टर्न कराने के लिए मैं एक राइट कमांड ले लूंगा। ठीक है, और इस राइट कमांड को मैं अपने रिपीट ब्लॉक में यहां अटैच नहीं करूंगा, मैं इसको अटैच करूंगा यहां। ठीक है, और यहां पर लिख दूंगा अपना एंगल 45 डिग्री। अब मैंने इस ब्लॉक यहां पर अटैच क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है कि जब भी आपकी रिपीट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो एक पहली बार एग्जीक्यूट होगा, स्क्वायर एक पहला बनाएगा और आपका टर्टल 45 डिग्री मुड़ जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपकी रिपीट कमांड पूरी एग्जीक्यूट हो, मतलब कि चार बार चले, उसके बाद टर्टल आपको 45 डिग्री रोटेट हो। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं पहले और अब अपने टर्टल को, अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आपने रन किया तो आपका टर्टल जो है देखे यहाँ पे 45 डिग्री जो है वो रोटेट कर गया है। अब मैं फिर से एक और रिपीट कमांड ले लूंगा, फ्लो में जाके एक रिपीट कमांड मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू ले लूंगा चार, क्योंकि मुझे विंडो बनाने के लिए स्क्वायर चार बनाने हैं और यहाँ पे फिर से इसके नीचे मैं जोड़ दूंगा स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी जो कमांड है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। मैं इसको हटा के कमांड अपने रन करा के देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे डिजायर शेप जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर बन गया है। सो एक बार कमांड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी स्टैक है, ये आपकी एक सिंगल स्क्वायर बनाने की स्टैक है, जिसका मैंने एक नेम्ड ब्लॉक स्क्वायर बना लिया है, जिसका यहाँ पर एक ब्लॉक बन गया है। अब मैंने क्या किया, अपना पहला विंडो, मतलब कि ये जो सीधा विंडो है, इसे बनाने के लिए मैंने एक रिपीट कमांड ले ली, उसके नीचे मैंने स्क्वायर को अटैच कर दिया। तो जब ये कमांड रिपीट होगी चार बार तो आपका पहली विंडो जो सीधी विंडो है वो बन जाएगी। उसके बाद आपका टर्टल यहाँ पर पहुंचेगा, वो देखेगा राइट मुड़ टाइम में जो 45, वो फिर इस साइड राइट जाएगा। राइट मुड़ने के बाद फिर से वो रिपीट कमांड को चार बार चलाएगा और आपका नेक्स्ट जो टेढ़ा विंडो है वो बन जाएगा। इस तरह से ये आपकी कमांड काम करती है। अब यहाँ सवाल आपका ये है कि क्या हम हमेशा पैटर्न रेड कलर में ही बना सकते हैं, मतलब कि क्या हम अपनी जितनी भी शेप्स और पैटर्न हम टर्टल आर्ट के अंदर बनाएंगे वो सिर्फ रेड कलर के ही होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आप चाहें तो अपनी शेप्स या पैटर्न को कलरफुल बना सकते हैं, मतलब अपने मनचाहे कलर जो है वो अपनी शेप को दे सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी 4 की हेल्प से, जिसमें आपने जो एक्टिविटी 2 में जो इमेज बनाई थी उसका कलर जो है हम यहाँ पर चेंज करके देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप 1 में अपना जो कैटेगरी में पैन ऑप्शन को हम चुनेंगे, ये हमने यहाँ पर पैन ऑप्शन को जो है वो चुन लिया है। इसके अंदर आपको एक ब्लॉक मिलेगा जिसका नाम है सेट कलर ब्लॉक। ठीक है, अब सेट कलर ब्लॉक का यूज सीखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टर्टल आर्ट में जो आपके कलर्स होते हैं वो नंबर फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कलर आप दोगे वो आप नंबर फॉर्म में अपने ब्लॉक के अंदर दोगे। जैसे कि अगर आपको अगर रेड कलर लेना है तो उसके लिए आपको 0 देना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीन कलर का शेप बनाना है तो आपको ग्रीन के लिए 30 देना पड़ेगा। अगर आपको ब्लू कलर का शेप बनाना है तो आपको 70 देना पड़ेगा। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर कोड जो है टर्टल आर्ट के अंदर यूज होते हैं। इसके साथ ही सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि आपको कलर के अलग अलग शेड भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका 0 पे क्या था, रेड कलर था, तो रेड के अलावा आपको रेड के अलग अलग यहाँ पे शेड भी ये देखिए देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी कलर कोड अपने सेट कलर के साथ यूज करेंगे उस तरह का कलर के जो आपका शेप या पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हमने इस वाले सेट कलर को अपने स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया है, और यहाँ पे हमने कलर का कोड दे दिया है 30। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 आता है, मतलब कि रेड कलर का बाय डिफॉल्ट आपका शेप बनते हैं तो 0 होता है। इसको चेंज करके आप अपने पसंद का कोई भी यहाँ पे कोड सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 सेट किया गया है और 30 किसका कलर कोड है, ग्रीन। तो आपकी जो यहाँ पर जो शेप बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ जो अपना मेन ब्लॉक था रिपीट का उसके ऊपर हमने सेट कलर ब्लॉक जोड़ दिया, उसके साथ हमने
हमने वैल्यू दे दी है, फिर हम अपने मैजिक स्टिक से जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो शेप आएगी अब रेड की जगह ग्रीन कलर की आएगी। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस 2 दी गई है, जिसके अंदर आपको ये शेप बनानी है, और इस शेप को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ हिंट भी दी गई है, आप इसका यूज करके इस शेप को खुद से ट्राई करना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप बताएं जिससे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रिया अनुक्रम बनाना और उन पर लॉजिकल ऑपरेशन या तार्किक प्रक्रियाएं करना। इस टॉपिक के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप आर्क का अर्थ जानते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिला कि आर्क एक सर्कल वृत्त का घुमावदार भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो है सर्कल है, और सर्कल में ये जो पार्ट है आपका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। सो ये था आपका आर्क। इसके अलावा टर्टल आर्ट के अंदर भी आपको आर्क ब्लॉक जो है वो मिलता है। चलिए इसका यूज करके हम अलग अलग शेप्स और पैटर्न को बनाएं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आर्क ब्लॉक का प्रयोग करने के लिए हमें दो चीजें देनी पड़ेंगी। एक तो हमें देना पड़ेगा एंगल कोण, और उसके साथ में रेडियस या त्रिज्या, वो हमें अपने ब्लॉक के साथ देनी पड़ेगी। तो आपका जो आर्क ब्लॉक है वो कहाँ मिलेगा, आपको पहले टर्टल कैटेगरी के अंदर जाना पड़ेगा। टर्टल कैटेगरी में आपको दिखेगा आर्क ब्लॉक, यहाँ से आप अपने आर्क ब्लॉक को अपने स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपके आर्क में आपको दो चीजें, जैसे मैंने बताया हुआ है कि एंगल देना पड़ेगा कि आप अपने आर्क को कितने डिग्री का बनाना चाहते हैं, साथ में उसका रेडियस हमें उसके साथ में देना पड़ेगा। तो चलिए आर्क ब्लॉक का यूज करके हम कोई शेप जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्टल में जो हमारा आर्क ब्लॉक है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने एंगल की वैल्यू दे देते हैं, हम दे देते हैं इसको 145, और अपने रेडियस की वैल्यू दे देते हैं 40। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं, मैजिक स्टिक लेके इसको रन कराते हैं। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर हमारा आर्क जो है बन गया है। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दो आर्क बनाते हैं। जो सेकंड वाला जो आर्क है मुझे उसका जो पेन साइज है वो थोड़ा मोटा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेट पेन साइज जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 4 है, तो मैं इसको चेंज करके 6 कर देता हूँ, जिससे आपका जो पेन की मोटाई है वो थोड़ी बढ़ जाए। उसके बाद सेकंड वाले आर्क का कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से सेट कलर ड्रैग करके यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं येलो कलर का दूसरा वाला आर्क बनाता हूं, तो उसके लिए कलर कोड है 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूं। ठीक है, अब सेकंड आर्क मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा टाइटल में, और टाइटल में जाने के बाद सेकंड आर्क बनाने के लिए यहाँ पर आर्क ब्लॉक को ड्रैग करके यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। अब ये वाला जो आर्क है मुझे थोड़ा और बड़ा बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ 200, और रेडियस में 100 ही रखता हूँ। ये हमारा स्टैक जो है अब रेडी है, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं। सो रन होने के बाद देखिए ये हमारा आउटपुट जो है यहाँ पर आ गया है, जिसके अंदर जो पहला वाला आर्क है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वो रेड कलर का दिखाई देगा। उसके बाद आपके पेन की मोटाई जो है बढ़ गई है, वो 6 हो गई है। ठीक है, तो 6 होने के बाद मोटाई यहाँ पे बढ़ गई है। उसके बाद हमने इसका कलर चेंज किया था, येल्लो कलर सेट किया था, तो यहाँ पे येल्लो कलर आने के बाद आपका सेकंड वाला आर्क जो है यहाँ पर बन गया है। आपका एंगल 200 और रेडियस 100 के अकॉर्डिंग, और हमें इस तरह का शेप जो है वो मिल गया है। सो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि क्लास 6 में हमने MSW लोगो के अंदर सर्कल बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया था, तो क्या हम आर्क ब्लॉक का प्रयोग करके सर्कल बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल आर्क ब्लॉक का यूज करके सर्कल बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंगल की जगह 360 देना होगा, और रेडियस हम कोई भी अपनी पसंद का दे सकते हैं, जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है उस हिसाब से आप रेडियस दे सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा हम अपने सर्कल के अंदर जो है वो कलर भी फिल कर सकते हैं। अब इसको सीखेंगे आपकी बुक की एक्टिविटी 6 का प्रैक्टिकल करके, जिसमें सर्कल शेप का यूज करके हम रंग बिरंगा फ्लावर या फूल हम बनाएंगे। तो चलिए हम वापस चलते हैं टर्टल आर्ट में और एक्टिविटी 6 का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर सर्कल बनाना है, उसके अंदर हमें कलर फिल करना है। तो सर्कल बनाने के लिए मैं टर्टल कैटेगरी में जाऊंगा और वहां से आर्क ब्लॉक में ले लूंगा और उसको अपने स्क्रीन पर ड्रैग करूंगा। अब सर्कल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर जो एंगल चाहिए वो चाहिए 360, तो मैं 180 चेंज करके 360 डाल लेता हूँ। ठीक है, ये आपका 360 जो है मैंने एंगल डाल लिया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा सर्कल बनता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वो बन गया है। अब मैं इस सर्कल बनाने की जो कमांड है उसको एक नेम ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। तो नेम ब्लॉक के लिए मुझे जाना पड़ेगा माय ब्लॉक्स में, यहाँ से मैं एक नेम ब्लॉक ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ सर्कल। ठीक है, सर्कल नाम देते ही यहाँ पर आपका सर्कल का ब्लॉक बन जाएगा। ये हमने किस लिए किया, ये हमने जो हमें आगे अपना फ्लावर बनाना है उसको बनाने के लिए हमने एक नेम्ड ब्लॉक जो है सर्कल नाम का बना लिया है। अब हमारे नेम ब्लॉक को हम बाद में यूज करेंगे, उससे पहले हमें जाना है अपनी पेन कैटेगरी में, और पेन कैटेगरी से हम
ड्रैग करेंगे फिल स्क्रीन कमांड को, ठीक है। अभी फिल स्क्रीन कमांड क्या होती है, फिल स्क्रीन कमांड जो आपकी ये जो स्क्रीन है इसके कलर को चेंज करने के लिए यूज होती है, मतलब कि आप इस स्क्रीन का कलर भी कमांड का यूज करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कलर, तो कलर में आपको कोड देना है कि आपको किस कलर की स्क्रीन आपको यहाँ पर चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मुझे येलो कलर की चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। अब नीचे आपका शेड, तो शेड में आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर येलो कलर का कोड 20 है तो येलो कलर के काफी सारे शेड जो है हो सकते हैं, ठीक है। इस कलर शेड की वैल्यू आप इस हिसाब से दे सकते हैं कि अगर ये वैल्यू आपकी सबसे कम होगी, मतलब कि अगर 0 होगी तो येलो कलर का जो भी सबसे डार्क वाला शेड होगा वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा लाइट शेड लेना है तो आप इस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। मैं इसको 80 रखता हूँ क्योंकि मुझे येलो कलर का जो लाइट शेड है, जो हल्का शेड है, वो मुझे चाहिए। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने फ्लो कैटेगरी में और यहाँ से मैं रिपीट ब्लॉक को ले लूंगा और इसको अटैच कर दूंगा अपने फिल स्क्रीन के नीचे। अब मुझे अपने फ्लावर के अंदर 10 सर्कल चाहिए तो मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद मुझे मेरे जितने भी सर्कल बनेंगे, मतलब 10 सर्कल बनेंगे, तो मुझे हर एक सर्कल का जो कलर है वो एकदम अलग चाहिए, ठीक है। अलग अलग कलर के लिए मैं जाऊंगा अपने पेन कैटेगरी में और पेन कैटेगरी में जाने के बाद मैं यहाँ से सेट कलर ब्लॉक को ड्रैग करके अपने रिपीट के नीचे अटैच कर दूंगा और यहाँ से ये जो वैल्यू वाला पोर्शन है उसे हटा के मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अब मुझे क्योंकि सर्कल अलग अलग कलर के चाहिए तो मैं यहाँ से ये आपका जो ये जो कलर वाला जो ब्लॉक है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपने सेट कलर ब्लॉक पर अटैच कर दूंगा। अब मैंने ये क्यों लिया है, यहाँ पर आपके जो ये कलर ब्लॉक है इसकी वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, मतलब कि रेड कलर होगा, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊंगा 10-10 करके, जिससे आपका जो सर्कल जो है वो अलग अलग कलर का बनता जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को पहले आपकी जब पहली बार आपका ब्लॉक रिपीट होगा तो यहाँ पर होगा 0, तो आपका पहला सर्कल बनेगा रेड कलर का। फिर मुझे इसको 10 बढ़ाना है, तो 10 बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने नंबर कैटेगरी में, यहाँ से एक प्लस ब्लॉक जो है मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस कलर को हर रिपीटेशन के साथ बढ़ाने के लिए मैं नंबर ब्लॉक को यहाँ से लूंगा और यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब जब भी रिपीटेशन होगी तो आपको हर एक सर्कल अलग अलग कलर का दिखेगा। तो यहाँ पर हमने अपना कलर सेट कर दिया है, अब मुझे अपने सर्कल के अंदर जो है कलर भी फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं जाऊंगा अपने पेन कैटेगरी में और पेन कैटेगरी में जाने के बाद मैं स्टार्ट फिल ब्लॉक को ड्रैग करके अपने सेट कलर के नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक आपके सर्कल के अंदर कलर फिल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कलर सर्कल के अंदर फिल करना है तो यहाँ से सर्कल का जो नेम्ड ब्लॉक मैंने बनाया था उसको मैं नीचे जो है कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आपने जो कलर दिया है वो यहाँ से फिल करना स्टार्ट होगा, किसके अंदर, सर्कल के अंदर। अब क्योंकि ये कलर स्टार्ट हो गया फिल करना, इसको हमें एंड भी करना होगा, तो एंड करने के लिए मैं यहाँ से एंड फिल ब्लॉक लेके इस नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्ट फिल करेंगे जिस शेप के अंदर करेंगे वो आएगी बीच में, उसके बाद एंड फिल ब्लॉक आपका आएगा, ठीक है। ये हमारी कमांड बन गई है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपकी कमांड चलेगी आपकी जो कमांड है वो सेम जगह पे सर्कल बनाते जाएगा। अब मेरा जो टाइटल है वो सेम जगह पे सर्कल ना बनाए तो मेरे को टाइटल को थोड़ा सा टर्न कराना पड़ेगा, तो टर्न कराने के लिए मैं टाइटल में जाके राइट ब्लॉक को यहाँ पे अटैच कर दूंगा और यहाँ पे इसको टर्न करा लेता हूँ 45 डिग्री, जिससे क्या होगा पहला ब्लॉक बनने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक जब बनेगा तो आपका टाइटल पहले ही 45 डिग्री टर्न कर जाएगा, फिर आपका कहीं और सर्कल बनेगा, ऐसे ही आपके सर्कल बनते चले जाएंगे। अब हमारी स्टैक जो है वो है, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के लिए वही मैजिक स्टिक लेके हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो शेप है वो बन चुका है, जिसके अंदर हमारा जो फिल स्क्रीन का यूज करके हम अपने स्क्रीन का कलर यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिपीट आएगा, तो रिपीट आने के बाद जब पहला आपका फर्स्ट टाइम रिपीटेशन चलेगा तो आपका पहला सर्कल बनेगा रेड कलर का, उसके बाद आपका टाइटल 45 डिग्री टर्न कर जाएगा, फिर सेकंड। तो इस तरह से ये आपकी कमांड जो है 10 बार रिपीट होगी और आपके 10 सर्कल जो यहाँ पे बन जाएगा और आपका फ्लावर शेप जो है यहाँ पर बन जाएगा। सो ये फिगर बनाने के बाद यहाँ पर महक को ये फूल बनाने का एक और आइडिया आया है, जिसमें उसने इस ब्लॉक की कमांड स्टैक का यूज करके ये डायग्राम बनाया है। ये जो सारी पंखुड़ियां हैं इसके अंदर आपको कलर भरना है और इस कमांड का यूज करना है, मतलब इस कमांड में आपको मॉडिफिकेशन करने हैं। तो ये आप खुद से ट्राई करें और अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हैं तो कमेंट करना, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है चेंजिंग टर्टल पोजीशन।
ठीक है, जिसके अंदर सवाल ये है कि क्या हम टर्टल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब टर्टल स्टार्टिंग में विंडो में आपकी स्क्रीन में जहां पर होता है वहां से हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल, हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन टर्टल की पोजीशन को चेंज करने से पहले हमें टर्टल की पोजीशन बतानी पड़ेगी। सो आपको जो मॉनिटर पर इमेज डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन कोऑर्डिनेट या निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको नीचे की इन इमेजेस में दिखाया गया है। ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये जो आपका बीच में पोजीशन होती है जहाँ पे 0-0 आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको ओरिजिन हम बोलते हैं। अब वाई की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सारी वो पॉजिटिव होती है, एक्स की राइट वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती है और एक्स की लेफ्ट वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। अब जैसे हमारी टर्टल की अगर पोजीशन यहाँ पर है तो इसके हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले हम एक्स के हिसाब से देखेंगे। टर्टल के हिसाब से हमारे एक्स क्या है 100, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, और वाई पे क्या है -60, तो यहाँ पे -60 लिख देंगे। तो ये हमारे टर्टल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, उसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब टर्टल हमेशा ओरिजिन या प्रारंभिक स्थिति उसकी 0-0 होती है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू भी क्या है 0, यहाँ पर आपका टर्टल जो है वो स्थित होता है। अब टर्टल की पोजीशन को सेट करने के लिए हमें इस ब्लॉक की जरूरत होती है, ठीक है, जिसका नाम है सेट एक्स वाई ब्लॉक। ठीक है, ये है आपका सेट एक्स वाई ब्लॉक, जिसके अंदर आपको दो वैल्यू देनी होती है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स की वैल्यू आपको देनी होगी, x की वैल्यू सेट करनी होगी, और y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको सेट करनी होगी। तो चलिए एक्टिविटी 7 से हम टर्टल की पोजीशन का पता लगाते हैं और उसकी पोजीशन चेंज करते हैं और फिर से उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को प्रिंट करते हैं। सो ये रहा हमारा टर्टल, अब हमें इसकी पोजीशन को पता लगाना है। तो पोजीशन को पता लगाने के लिए हम जाएंगे अपने नंबर कैटेगरी में। नंबर कैटेगरी में जाने के बाद हमें ड्रैग करना है ये वाला प्रिंट ब्लॉक अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रिंट ब्लॉक हमने स्क्रीन पर ड्रैग कर लिया है। प्रिंट ब्लॉक को ड्रैग करने के बाद हमें इसके साथ में कोई वैल्यू अटैच करनी है जिससे हमें पता चले अपने टर्टल की पोजीशन। तो उसके लिए हमें जाना होगा टर्टल में, और टर्टल में जाने के बाद हमें पहले हमें अपने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से एक्स स्कोर हम उठाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमने अपना एक्स स्कोर जो है वो अटैच कर दिया। एक्स स्कोर में क्या होता है, एक्स स्कोर आपके टर्टल की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है। ठीक है, और प्रिंट ब्लॉक का यूज करके हम उस कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को प्रिंट कर देंगे, जो आपका डिस्प्ले करेगा यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स में। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पता चल गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से वाई कोऑर्डिनेट का देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट की क्या पोजीशन है। तो उसके लिए फिर से हम नंबर्स में जाएंगे, प्रिंट को ड्रैग करेंगे, फिर से टर्टल में जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्कोर की जगह अब वाई स्कोर को ड्रैग करके यहाँ पर अटैच करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो टर्टल का पोजीशन वाई कोऑर्डिनेट में भी 0 आ रही है। अभी टर्टल के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, 0 और 0। ठीक है, तो चलिए अब पहले एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसको हम चेंज करते हैं और फिर प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है अगर टर्टल की आपको कोऑर्डिनेट्स या उसकी पोजीशन को चेंज करना है तो हमें सेट एक्स वाई जो आपके टर्टल कैटेगरी में मिलता है उसका यूज करना होता है। तो इस ब्लॉक को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर मुझे एक्स की वैल्यू देनी होती है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ -200 और वाई की वैल्यू मैं अभी 0 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से कमांड जो है वो लेंगे और इस सेट एक्स वाई के नीचे अटैच कर देंगे और यहाँ से एक्स स्कोर वैल्यू लेके अपने प्रिंट के साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, अब हम इस वाले ये जो हमारी स्टैक है इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी क्या वैल्यू आती है। तो मैजिक स्टिक लेके मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जैसे हमने पोजीशन चेंज की टर्टल की, देखिए यहाँ पर टर्टल की पोजीशन भी चेंज हो गई और यहाँ पर आपका टर्टल का जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -200 वो आपका डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से हम अपने जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ भी करके देखते हैं। तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट की सेम हम सेट एक्स वाई को लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0 ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 175 कर देते हैं। अब इसको हम फिर से प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सेम हमने ब्लॉक लिया और उसके अंदर हम y को और वैल्यू जो है वो अटैच कर देते हैं जिससे कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो सके। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पर देखिए आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई है। जब भी आप इस प्रोग्राम को बनाएं तो अपने सेट एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेके आप इसको प्रिंट करा के देखना, जिससे आपको सेट एक्स वाई ब्लॉक के प्रयोग को अच्छे से
समझ सके, और ये आप कर सकते हैं इस प्रैक्टिस 4 से। ठीक है, इस प्रैक्टिस 4 को आप खुद से ट्राई करके देखना, और अगर इसमें कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रिया अनुक्रम बनाना और उन पर लॉजिकल ऑपरेशंस तार्किक प्रतिक्रियाएं करना। सो इसके अंदर आपको ये जो इमेज दी हुई है इसे आपको ध्यान से देखना है और इसका विश्लेषण करना है, जिसमें सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़े डार्क कलर का है, मतलब ब्लैक कलर का है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारी आपको यहाँ पर बूंदे दी गई है, ड्रॉप्स इसके अंदर आपको काफी सारी दी गई है, जिसके अंदर ड्रॉप्स जो है वो अलग अलग कलर की है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इन ड्रॉप्स के अंदर आप कुछ शेड्स भी देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर है और ये थोड़ा सा लाइट कलर है। ठीक है, तो हर ड्रॉप के अंदर एक शेड है, और साथ में ये जो सारी ड्रॉप है, ये सारी बूंदे है, वो अलग अलग जगह पर रेंडमली ऐसे ही पिक्चर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण है इस पिक्चर का। अब हमें ये जो पिक्चर है ये टर्टल आर्ट के अंदर बनानी है। सो चलिए इस पिक्चर को बनाने के लिए हम इसकी कमांड जो है वो देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है, इसकी कमांड आपको एक्टिविटी 8 में समझाई गई है, तो इसको हम अपने टर्टल आर्ट पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी ड्रॉप बनानी है, तो ड्रॉप की जो टोटल लंबाई है हम उसको मान लेते हैं कि वो हमारी 70 पिक्सल है। ठीक है, अब 70 पिक्सल की पहले हम एक लाइन बना के देखते हैं और उसके लिए कमांड स्टैक जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूंगा रिपीट ब्लॉक, और रिपीट ब्लॉक को क्योंकि हमारी लाइन जो है वो 70 पिक्सल की है तो इसको 70 टाइम रिपीट कराता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1। अब इससे क्या होगा, ये जो आप रिपीट कमांड है वो फॉरवर्ड को कितनी बार चलाएगी, 70 टाइम चलाएगी, और जितनी बार भी चलेगी आपका टर्टल 1 पिक्सल जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका टर्टल यहाँ पे क्या हुआ, जितनी बार भी कमांड चली एक एक पिक्सल करके आपके टर्टल आगे बढ़ा और ये लाइन जो है वो बन गई है। अब ड्रॉप बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना पेन साइज लेना होगा और पेन साइज को हर रिपीटिशन में बढ़ाना होगा या घटाना होगा जिससे कि आपकी ड्रॉप बने। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेन कैटेगरी में जाएंगे और पेन कैटेगरी में जाके सेट पेन साइज को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से हटा देंगे। पहले वैल्यू हटाने के बाद मैं यहाँ से जो पेन साइज ब्लॉक है इसको यहाँ पे वैल्यू की जगह अटैच कर दूंगा। ठीक है, अटैच करने के बाद मैं यहाँ से एक माइनस ब्लॉक यहाँ पर लगा दूंगा। माइनस ब्लॉक लगाने के बाद मेरे को ये वैल्यू कितनी माइनस करनी है, मेरे को ये वैल्यू 1 माइनस करनी है। तो 1 माइनस करने के लिए यहाँ से मैं नंबर ब्लॉक इस पे यहाँ पर अटैच कर दूंगा और यहाँ पर 10 की जगह ले लूंगा 1। जब आपका ये रिपीट ब्लॉक जो है वो फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, आपका टर्टल जो है फॉरवर्ड होगा, कितना फॉरवर्ड होगा, 1 फॉरवर्ड होगा, और पेन साइज कितना होगा, अभी 4 होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे आपने पेन साइज सेट किया हुआ है, जो पेन साइज है जो कि 4 है उसमें ऐसे माइनस हो जाएगा 1, मतलब पेन साइज कितना हो गया, अब आपका 3 हो गया। फिर से जब आपका टर्टल मूव करेगा आगे, पिक्सल जो है वो फॉरवर्ड जाएगा आगे, उसके बाद जो पेन साइज 3 था उसके हिसाब से 1 पिक्सल आगे जाएगा। फिर से ऐसे ही आपके पेन साइज की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, उसके बाद घटने के बाद वैल्यू चौथे रिपीटेशन के बाद 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैल्यू बेसिकली नेगेटिव में जाएगी, और टर्टल आर्ट के अंदर जो टर्टल होता है चाहे आपकी वैल्यू -2 हो या फिर +2 हो, वो उसको एक ही वैल्यू मानता है, मतलब कि वो उसको पॉजिटिव ही लेगा। ठीक है, तो एक बार इस वाली जो कमांड है इसको रन करा के हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, 0 में बिल्कुल आपका पेन साइज 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद -1 में थोड़ी पेन साइज बढ़ा, 2 में बढ़ा, 3 में, तो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है, आपका ये ड्रॉप जो है वो बन गया है। अब हमारी जो पिक्चर थी उसके अंदर आपका जो ड्रॉप था वो पूरे रेड कलर का नहीं था, उसमें कुछ शेड थे, लेकिन हमारा यहाँ पे ड्रॉप क्या है, वो पूरे रेड कलर का है। तो हमें अब इस ड्रॉप के अंदर शेड भी देनी पड़ेगी। शेड देने के लिए मैं पेन कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ से सेट शेड ब्लॉक जो है वो ड्रैग करके अपने सेट पेन साइज के नीचे अटैच कर दूंगा। इसके अंदर भी मैं इसकी वैल्यू जो है, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको हाँ मैं हटा दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है, कट करने के बाद मैं यहाँ से शेड ब्लॉक जो है वैल्यू की जगह कनेक्ट कर दूंगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं 1। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी शेड की, उसमें हर बार क्या होगा, आपका 1 ऐड होता जाएगा और आपको ड्रॉप के अंदर एक शेड देखने को मिलेगा। जितनी बार भी रिपीट ब्लॉक आपके फॉरवर्ड को रिपीट करेगा, हर बार आपको पेन साइज जो है वो बढ़ेगा, साथ में उसका शेड भी चेंज होगा और आपको यहाँ पर इस तरह का ड्रॉप जो है शेड के साथ देखने को मिलेगा। तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ड्रॉप है उसके अंदर रेड कलर और साथ में शेड भी अब शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो ड्रॉप है वो अभी उल्टी बूंद बनी हुई है, हमें इसको सीधा करना है। तो इसको सीधा करने के लिए मेरे को कमांड को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, अपने पेन का साइज पहले ले लेता हूँ 70 और उसको मैं कम कराता हूँ। ठीक है,
तो पेन का साइज बड़ा करने के लिए फिर से हम पेन कैटेगरी के सेट पेन साइज लेंगे और यहाँ पर मैं अपने पेन का साइज 4 से डाकर 70 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपका जो पेन का साइज है पहले 70 है, ठीक है। अब 70 से क्या होगा, आपका पेन का साइज हर बार जो है यहाँ पर कम होगा और एक टाइम पे जाके 0 हो जाएगा, मतलब आपका ये जो ड्रॉप है वो सीधा हो जाएगा। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। आपकी ड्रॉप जो है यहाँ पर वो सीधी हो गई है और हमें यहाँ पर अपने जो ड्रॉप बनाने का जो कमांड्स का स्टैक है, ब्लॉक का स्टैक है, वो मिल गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमें बार बार ना लिखना पड़े तो इसके लिए हम इसका एक नेम ब्लॉक बना लेते हैं। नेम ब्लॉक उठा के इसको अटैच कर देते हैं अपनी स्टैक के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं ड्रॉप, ठीक है। अब हमारा ये सारी जो कमांड है वो एक ब्लॉक के अंदर आ गई है, ठीक है। अब हम इस कमांड को थोड़ा साइड में कर देते हैं यहाँ पर, और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें अपना ये जो स्क्रीन है इसका कलर जो है वो चेंज करना है। इसके लिए हम सेम पेन कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से फिल स्क्रीन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। हमारी जो स्क्रीन थी पिक्चर में वो थोड़ी डार्क कलर की थी, तो यहाँ पे हम डार्क कलर के लिए कोई ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 70 और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0। 0 करने से क्या होगा, जो भी यहाँ पे हमारा ब्लू कलर है उसका जो भी डार्केस्ट शेड जो है, मतलब सबसे गहरा शेड जो है, वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो ड्रॉप्स है, जो हमारी बूंदे हैं, वो हमें काफी सारी बनानी है। तो काफी सारी बूंदे बनाने के लिए रिपीट बेसिकली हमें करना है, तो उसके लिए हम रिपीट ब्लॉक ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको जितनी बूंदे बनानी है उतना यहाँ पे नंबर दे देंगे। चलिए यहाँ पे मैं 70 मेरे को ड्रॉप्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 70 मैंने ले लिया है। अब जो पिक्चर है उसके अंदर आपकी जो ड्रॉप्स थी वो अलग अलग कलर की थी, ठीक है। तो मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज करने के लिए पेन कैटेगरी में जाऊंगा मैं और यहाँ से सेट कलर का ब्लॉक है वो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। और इसकी यहाँ से वैल्यू जो मैं हटा लूंगा। इसकी वैल्यू जो मैंने इसलिए हटाई है क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जो है वो रैंडम देना चाहता हूँ, मतलब रैंडम कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ जाए और आपका उस कलर का ड्रॉप विद शेड जो है वो बन जाए। तो रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पर आपका एक ब्लॉक दिया हुआ है नंबर कैटेगरी के अंदर रैंडम, ठीक है। इसको मैं अपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर जो है वैल्यू की जगह अटैच कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ये ब्लॉक जो है रैंडम ब्लॉक है और यहाँ पर आपको दो वैल्यू देनी होती है, कहने का मतलब है कि वैल्यू की रेंज देनी होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप रेंज देंगे, जैसे यहाँ पर आपको सबसे कम या फिर मिनिमम वैल्यू आपको लिखनी होती है और मैक्सिमम और सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम तो ऑब्वियसली आपकी 0 ही होगी, तो इसको 0 रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं चलिए 70 कर देता हूँ, ठीक है। जब भी ये ब्लॉक रिपीट होगा रैंडमली 0 से 70 के बीच में कोई भी कोड उठा लेगा और सेट कलर जो है उस कोड के हिसाब से उस कलर का ड्रॉप जो है वो बना देगा। अब इसके बाद उसमें जो पिक्चर थी उसके ड्रॉप थे वो स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर बने हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ड्रॉप के जो कोऑर्डिनेट थे या उसकी पोजीशन थी वो अलग अलग थी, तो हमें बेसिकली ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के लिए मैं टाइटल कैटेगरी में जाऊंगा और टाइटल कैटेगरी से सेट एक्स वाई कमांड जो है अपनी अटैच कर दूंगा ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू जो है वो रैंडम लेना चाहता हूँ, तो मैं इनकी वैल्यू जो है यहाँ से हटा दूंगा। ये मैंने इनकी वैल्यू हटा दी और रैंडम वैल्यू लेने के लिए सेम मैं यहाँ से रैंडम ब्लॉक लूंगा, यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ऐसे ही एक्स के लिए मैंने कर दिया, वाई के लिए भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब एक्स के लिए आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है मिनिमम, तो एक्स के लिए मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -360 ले लेता हूँ, मैक्सिमम 360 ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी -60 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी +360 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका स्क्रीन फिल हो गई है, आपको 70 ड्रॉप बनाने हैं वो भी हो गया है, आपने कलर भी सेट कर लिया है और साथ में ड्रॉप के कोऑर्डिनेट भी सेट कर लिए। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए ड्रॉप जो आपको ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कमांड है वो एकदम रेडी है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं, तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ देखिए रन कराने के बाद आपकी जो ड्रॉप्स हैं वो स्क्रीन पर बन गई है, ठीक है। कमांड एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बनाने की कमांड आपने लिख ली है, ठीक है, ड्रॉप कमांड के अंदर डाल दिए, फिर आपने अपनी स्क्रीन का यहाँ से कलर चेंज कर लिया है। आपको 70 ड्रॉप बनानी है तो यहाँ पे 70 वैल्यू दे दिया है, अलग अलग कलर की बूंदे बनानी है तो यहाँ पे रेंज दे दी है, उनका अलग अलग कोऑर्डिनेट पे बनानी है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक की कमांड को यहाँ पे नीचे अटैच कर दिया है। आपकी इमेज जो है यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में आ गई है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पहेली हल करना एवं विविध पैटर्न्स डिजाइन करना। सो हमने कोऑर्डिनेट्स का यूज करके पैटर्न बनाना तो सीख लिया, अब हम कोऑर्डिनेट्स के साथ पैन अप और पैन डाउन करके भी पैटर्न डिजाइन करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीयू और पैन अप क्या होता है। तो जब आप पीयू या पैन अप ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइटल जो है निशान छोड़ना बंद कर देता है, ठीक है। सेकेंड आपका पीडी, अब पीयू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद निशान छोड़ने के लिए पीडी या पैन डाउन
लोग एग्जीक्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको ये क्रॉस लाइन बनानी है, ठीक है, तो क्रॉस लाइन बनाने के लिए मान लीजिए ये वाली जो पहली लाइन है वो आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे हम पेन अप कर लेंगे, ठीक है। पेन अप करने से क्या होगा, आपका टर्टल निशान छोड़ना बंद कर देगा। उसके बाद हम अपने टर्टल को मूव कराएंगे इस पोजीशन पे। जब टर्टल मूव कर जाएगा बिना निशान छोड़े, अब हम पेन डाउन कराएंगे, ठीक है। पेन डाउन कराने के बाद आपका टर्टल जो है वो निशान छोड़ना शुरू कर देगा और फिर आप अपने टर्टल से ये वाली लाइन भी ड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस तरह की शेप्स बनाने के लिए हमारा पेन अप और पेन डाउन कमांड्स का यूज होता है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पीडी या पेन डाउन ब्लॉक हमेशा पेन अप या पीयू ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जीक्यूट करने पर टर्टल निशान छोड़ता है। तो चलिए हम जो पीयू एंड पीडी पेन अप पेन डाउन जो आपका ब्लॉक है उसका आप कैसे टर्टल आर्ट में उपयोग कर सकते हैं वो सीखें, और साथ में उसका उपयोग करके एक डॉटेड रेक्टेंगल या डॉटेड आय जो है वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका पीयू एंड पीडी ब्लॉक जो है वो मिलेंगे किस कैटेगरी में। तो आपको वो मिलेंगे पेन कैटेगरी में, ठीक है। पेन कैटेगरी में आप जाएंगे तो ऊपर की साइड आपको पीयू और पीडी ब्लॉक जो है वो मिल जाएंगे। इनको हम अपने स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक लेते हैं, वो पीयू के नीचे अटैच कर देते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 10। फिर पीडी लगा देते हैं और फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक लेके हम इसकी भी वैल्यू दे देते हैं 10। अब इसको यहाँ पर क्या होगा, आपका पेन जो है वो अप हो जाएगा और आपका टर्टल आगे जाएगा 10 बिना निशान छोड़े। उसके बाद आपका पेन डाउन होगा, नीचे जाएगा और फिर से आपका टर्टल जब ये वाला फॉरवर्ड एग्जीक्यूट होगा तो आपका टर्टल निशान छोड़ेगा। इसको हम वैल्यू दे देते हैं 50 और यहाँ भी हम दे देते हैं 50। 50 देने के बाद अब जब आपका टर्टल इसको रन कराएंगे, मतलब आपका टर्टल जब पीयू ब्लॉक चलेगा तो आपका टर्टल जब फॉरवर्ड 50 जाएगा तो निशान नहीं छोड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो पीडी ब्लॉक से आपका पेन जो है डाउन हो जाएगा और जब ये वाली कमांड चलेगी आपका टर्टल जो है वो निशान छोड़ेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ आपका कोई निशान नहीं आया, लेकिन जैसे आपका पेन डाउन हुआ आपका जब टर्टल आगे गया 50 तो उसने निशान छोड़े। अब हमें डॉटेड लाइन बनानी है, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, रेज कर लेता हूँ और डॉटेड लाइन के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ 10 में और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ 10, ठीक है। और ये जो आपकी इसको एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूँ, तो ठीक है, तो आपका टर्टल की पोजीशन ऐसे हो जाएगी। उसके बाद मैं इस कमांड को एक नेम्ड ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ, माई ब्लॉक्स में जाके मैं इसको नाम दे देता हूँ डॉटेड लाइन, ठीक है, मैं इसको डॉटेड लाइन नाम दे देता हूँ। उसके बाद रेक्टेंगल की स्टैक आपको दिखाता हूँ, इसके बाद रेक्टेंगल बनाने की स्टैक आपको दिखाता हूँ। सो जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी जो दो साइड, कोई भी दो साइड जो उनको डॉटेड ले लेते हैं और दो साइड जो है नॉर्मल लाइन ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टर्टल में जाके अपने फॉरवर्ड ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसकी वैल्यू हम मैं 100 रहने देता हूँ। उसके बाद राइट में ले लेता हूँ, इसको भी 90 रहने देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरी डॉटेड लाइन थी मैं इसको रिपीट करवाता हूँ 10 टाइम्स। तो रिपीट करवाने के लिए मैं जाऊँगा फ्लो में जाने के बाद मैं रिपीट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। रिपीट देने के बाद मैं इसको 10 टाइम ले लेता हूँ और अपने माई ब्लॉक्स में जाके डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी स्टैक जो है डॉटेड रेक्टेंगल बनाने की या डॉटेड आयत बनाने की वो रेडी है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाली जो लाइन है सामने सामने वाली, ये जो है आपकी बनी है नॉर्मल लाइन और जो ये वाली जो लाइन है ये आपकी डॉटेड लाइन बनी है, ठीक है। अब ये बनी कैसे एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्टल आपका ये फॉरवर्ड रीड करेगा तो टर्टल आपका 100 बढ़ जाएगा आगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे मतलब इस साइड जो है टर्टल आपका टर्न कर जाएगा। उसके बाद ये जो डॉट है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमने रिपीट किया 10 बार, मतलब कि 1 2 ये टोटल आपकी 10 है, ठीक है। ये 10 बनने के बाद आपका टर्टल यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपका टर्टल राइट 90 मुड़ेगा, मतलब कि इस साइड मुड़ जाएगा, फॉरवर्ड 100 जाएगा, नॉर्मल फॉरवर्ड 100 जाएगा, फिर से राइट 90 से 90 मतलब इस साइड मुड़ जाएगा और फिर से आपकी रिपीट जो है 10 बार, डॉटेड लाइन जो है 10 बार रिपीट होगी और आपका टर्टल यहाँ पर पहुंच जाएगा और आपका ये जो रेक्टेंगुलर शेप है वो बन जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रैक्टिस 5, जिसमें आपको ये शेप जो है पेन अप और पेन डाउन कमांड्स का यूज करके बनानी है। तो इसे आप खुद से ट्राई करें और कोई भी अगर आपको इशू आता है बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 11 है, जिसमें ये कलात्मक इमेज टर्टल आर्ट में बनाई गई है, जिसमें इस इमेज की बात हो रही है। यह कठिन दिखाई देने वाली इमेज को बनाने का प्रोग्राम नीचे दिया है। चलिए इस पहेली को प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं और इसको सुलझाते हैं। और इसमें इस इमेज को बनाना
थोड़ा कठिन है क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो लाइन है वो कंटिन्यू नहीं है और साथ में आपके दो सर्कल यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसका हम विश्लेषण करेंगे एक प्रोग्राम बनाकर, और क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा तो इस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 4-5 पार्ट में और फिर इंडिविजुअली आपको हर पार्ट का आउटपुट भी हम दिखाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सो हमारी बुक में दी गई फिगर को बनाने के लिए मैंने कमांड्स ऑलरेडी यहाँ पे बना लिए हैं और इन कमांड्स को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हर एक पार्ट का मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि तो हर एक पार्ट का हम आउटपुट भी देखेंगे और साथ में फिर इनको कंबाइन करके हमारी जो शेप है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है हमारा वो है ये, जिसके अंदर मैंने पहला ब्लॉक लिया PU, जिसमें फॉरवर्ड 10 राइट 5 फॉरवर्ड 10 राइट 5 कमांड जो अटैच कर लिए। तो इसमें क्या होगा, आपका टर्टल जो है वो इसमें कोई निशान नहीं छोड़ेगा लेकिन ये मूवमेंट जो है फॉरवर्ड राइट ही ये जो है वो करेगा। तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं इसको रन कराऊंगा आपका टर्टल की मूवमेंट जो है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका वो है ये वाली कमांड, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने रिपीट लिया है 35 और उसके बाद मैंने पीयू ब्लॉक लिया है, पीयू ब्लॉक लेने के बाद मैंने फॉरवर्ड 10 लिया है और राइट 5 डिग्री, उसके बाद मैं पेन डाउन करा दूंगा फॉरवर्ड 10 और राइट 5 डिग्री। इस वाले स्टेप को समझने के लिए मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने ये वाली स्टेप जो रन की, आपको टर्टल की साइड से ये जो आउटपुट है आपको मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर जहां आपका गैप आ रहा है वहां पे आपका पेन जो है अप है और जहां पे आपकी लाइन आ रही है वहां पे आपका पेन जो है डाउन है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 को और 2 को जो है वो एक दूसरे से अटैच कर देंगे। उससे पहले मैं अपनी फिगर को हटा देता हूं, मैं इसको इससे अटैच कर देता हूं। अटैच करने के बाद और ये सारी जो स्टैक है वो मैं एक नेम्ड ब्लॉक के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। तो आपका थर्ड पार्ट बन गया। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूं। तो ये आपका आउटपुट जो है वो आपको मिल गया है, ठीक है। और ये इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया है, सर्कल 1 नाम से एक नेम्ड ब्लॉक के अंदर डाल दिया है। अब फोर्थ पार्ट में मैंने क्या किया है, एक रिपीट ब्लॉक लिया है, ठीक है, जिसको मैंने रिपीट कराया 36 टाइम और ये वाला जो स्टैक है वो उसके अंदर मैं नीचे मैंने अटैच कर दिया है और साथ में मैंने अपने टर्टल को राइट 10 डिग्री जो है वो टर्न करा दिया है, ठीक है। तो इससे आपका जो मल्टीपल सर्कल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस वाले स्टैक को समझने के लिए मैं पहले 36 की जगह आपको 3 टाइम जो है ये वाली स्टैक आप रन करा के दिखाता हूँ। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये वाली जो स्टैक है जब ये रन करेगी तो आपको कुछ इस तरह का आउट मिलेगा, ठीक है। इसमें पहला सर्कल बना है, उसके बाद आपका टर्टल जो है वो राइट 10 डिग्री टर्न कर गया है, फिर सेकंड सर्कल बना है, फिर राइट 10 डिग्री टर्न कर गया, उसके बाद फिर थर्ड सर्कल बना है, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। और मैंने ये वाली जो स्टैक है अपनी वो भी एक नेम्ड ब्लॉक के अंदर डाल दी है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी और यहाँ पर आपका जो नेम्ड ब्लॉक जो है वो बन गया है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कमांड है वो ये वाली कमांड है, जिसमें सबसे ऊपर मैंने यूज किया है क्लीन ब्लॉक को। और क्लीन ब्लॉक आपका क्या करता है, क्लीन ब्लॉक आपका जो आपकी ये वाली जो स्क्रीन है इसको साफ करता है और आपके टर्टल को अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है जो कि 0-0 कोऑर्डिनेट वाली वहां पर लेके आता है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, अपने जो ये स्क्रीन है इसका कलर हमने ले लिया है, ठीक है, इसमें कलर ले लिया 20 और शेड 80 दे दिया। उसके बाद मैंने पेन का साइज सेट कर दिया 2 पर, उसके साथ मैंने अपना जो सर्कल है उसका कलर ले लिया है 0, मतलब हमें बेसिकली दो सर्कल हमारे बनेंगे। तो पहले सर्कल का कलर 0 ले लिया है, 0 किसका कोड होता है, रेड का। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैंने शेड ले लिया है 40, उसके बाद मैंने सर्कल का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, मैंने एक्स दे दिया 150 और वाई दे दिया 130। उसके बाद मेरा पहला सर्कल मैंने अटैच कर दिया, मतलब पहला सर्कल आपका बनेगा। पहला सर्कल बनने के बाद यहाँ पे फिर मैंने कलर चेंज कर दिया, सेकंड सर्कल के लिए 60 दे दिया है, शेड चेंज कर दिया 20 दे दिया है और सेकंड सर्कल के लिए पोजीशन चेंज कर दिया है और उसके बाद सेकंड सर्कल के लिए यहाँ पे अपना नेम्ड ब्लॉक जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस वाली कमांड को रन करके देखते हैं, लेकिन रन करने से पहले यहाँ पे हमने जो 3 किया था इसको हम वापस 36 कर देते हैं, ठीक है। अब 36 करने के बाद हम अपनी कमांड को रन करा के देखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने अपनी कमांड को रन कराया हमारी डिजायर्ड शेप है वो यहाँ पर बन गई है, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पर आ गया है। आई होप आपको ये शेप बना के काफी मजा आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें ICT चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।